तो घर जाते हुए हमने रास्ता चेंज कर लिया और हमें याद आया अपना स्कूल। ये स्क्रिप्टेड नहीं आता। सब्सक्राइब टू चैनल। हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों ने एकदम सही पहचाना। तो आज हम जा रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर की पुराने बिल्डिंग में, जो कि एक बहुत ही सुंदर पुराना विंटेज हिमाचली घर है। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि 4th से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो ये मेरे लिए मेरी बचपन की सारी यादें ताज़ा करने का एक जरिया है। स्कूल की बिल्डिंग को यहाँ से शिफ्ट हुए 12 साल हो चुके हैं। मुझे याद है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो हम लोग का लास्ट बैच था जो यहाँ इस स्कूल में पढ़ा है। उसके बाद हम बाज़ार वाले स्कूल में शिफ्ट हो गए थे। हम लोग स्कूल के एंट्री गेट पे पहुँच चुके हैं। पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल के नेम का बैनर हुआ करता था। ये है हमारे स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, जो कि अभी भी वैसी ही दिखती है जैसे 12 साल पहले हम उसे छोड़ के गए थे। वीडियो आंटी जी, हाँ जी, आंगनबाड़ी बनी है अब। अच्छा, मुझे याद है कि 10th स्टैंडर्ड की क्लासरूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करते थी और बाकी सारे क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आम के पेड़ के नीचे हम लोग कभी कभी क्लासेस अटेंड किया करते थे अगर टीचर्स का मूड होता था आउटडोर पढ़ाने का। और जब बरसात के टाइम जब पेड़ पे आम लगते थे तो क्लास के बीच में ऊपर से आम गिरते थे, तो हम लोग एकदम से झपट्टा मार के आम गिरे हुए आम को उठा लेते थे। और स्कूल की बॉयज़ की कबड्डी की टीम भी इसी आम के नीचे कबड्डी के मैच की तैयारी किया करते थे और टूर्नामेंट्स की भी। ये सामने वाला आंगन हमारे स्कूल का असेंबली एरिया हुआ करता था। तो अभी मैं आप सभी को ले चलती हूँ हमारे कंप्यूटर लैब में, जो कि अभी आंगनवाड़ी का रूम बन चुका है। तो इसी रूम के अंदर राइट साइड में सारे कंप्यूटर्स होते थे और लेफ्ट साइड में बेंचेस थे और चटाइयाँ थी। और जो आप सामने रूम देख रहे हैं ये हमारा प्रिंसिपल कम टीचर्स रूम हुआ करता था, जो अभी एक स्टोर रूम बन चुका है। इसी रूम के लेफ्ट साइड में जो रूम है वो 8th स्टैंडर्ड की क्लासरूम हुआ करती थी। और इसी के अंदर एक और कमरा है जो आई गेस 7th स्टैंडर्ड की क्लासरूम थी। इस कॉर्नर पे मॉर्निंग प्रेयर के लिए सरस्वती माता की फ़ोटोज़ की डेकोरेशन की जाती थी और बच्चे यहाँ इस वाले वरांदे में बैठते थे। और जो राइट साइड में बरामदा है ये वाला, यहाँ पर भी बैठा करते थे। एरिया के हिसाब से आप लोगों को आइडिया हो ही चुका होगा कि स्ट्रेंथ को ज़्यादा नहीं थी बच्चों की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी थी। और रिसेस के टाइम पे हमने बहुत बार इस पेड़ के नीचे लंच किया है और उसके बाद बहुत सारी गेम्स खेली हैं। तब शायद हम इस स्कूल की इतनी वैल्यू नहीं करते थे, पर अब इतने सालों बाद जब मैं वापस यहाँ आई हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम नेचर के कितने पास पढ़ाई किया करते थे और कितने लकी थे। इस स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं बदली है पिछले 12 सालों में। 12 साल पहले भी ये वॉशरूम और ये टंकी हुआ करती थी और आज भी ये वैसी के वैसे हैं। आई होप जो लोग भी SVM में पढ़े हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी, और जो लोग नहीं पढ़े उनको हमारे स्कूल का बहुत अच्छा टूर मिला होगा। ये दो शटर जो थे ये भी हमारे यहाँ पे भी क्लासेस लगती थी। यहाँ पे मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब बैठते थे यहाँ पे, फिर हम जब 6th स्टैंडर्ड में पहुँचे तो बैठते थे। और फिर इस रास्ते से हम नीचे जाते थे, उत्थी दुकान ही उत्थी चिज्जी खान थे रिसेस के टाइम पे। इधर से बना सूरी दीदी की मासी का घर आ गया, तो मेरी मासी को दिखाना। चलो अब हम सोनी दीदी के घर मासी के घर पहुंच चुके हैं। मासी जी, मासी जी, नहीं बाहर आओ आप। मासी जी आप कहाँ भाग गए? हैंड वॉश कर रही है मेरी मासी जी। मासी जी कहाँ गए? मासी जी आपके बीड़ी, आओ 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 आओ, हैंड वॉश कर लिए करो ना। मस्त मासी जी, हैंड वॉश कर लिया करो। ये छोटी है कि बड़ी? ये बड़ी है और ये छोटी है।
तो दोस्तों डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम संधोल के किसी और स्कूल पे भी विजिट करें तो प्लीज़ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट मिस टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।